मैं इस समय असम के सरायदेव जिले में हूँ और आपको जानकर खुशी होगी कि आज सरायदेव स्थित, ये देखिए सरायदेव के जो मोइदम हैं, जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उस जगह को आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। ये बहुत बड़ा दिन है समग्र हम लोग का आसाम जाति के लिए, आसामी जाति के लिए आज डांगर ये मैसेज है। आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इतना दिन का वैसा अंतर में सुकून मिला था हम लोग का, समग्र आसाम का भी, सरायदेव का, हमारे स्थानीय लोकल का आदमी का। सबका स्वागत है amarujala.com में। मैं इस समय असम के सरायदेव जिले में हूँ और आपको जानकर खुशी होगी कि आज सरायदेव स्थित, ये देखिए सरायदेव के जो मोइदम हैं, जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उस जगह को आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। देखिए ये मोइदम क्या चीज है, सरायदेव मोइदम के रूप में पुरातात्विक अस्थि अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अहोम इतिहास में इसे चे तम दोई या चे लंग और चे खम रेन कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ी पर चमकता नगर, बड़ा नगर या सुनहरी सीढ़ियों का नगर। 600 वर्षों के शासनकाल 1228 से 1826 ईस्वी के दौरान यह स्थल एक पूजनीय और पवित्र स्थान था, जो आज भी ऐसा ही है। और इसी स्थान को जो पिरामिड के रूप में है, जो मिस्र के पिरामिड के रूप जैसे ही हैं, उसे आज वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो आज किस तरह की खुशी जाहिर करते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है समग्र हम लोग का आसाम जाति के लिए, आसामी जाति के लिए आज डांगर ये मैसेज है जी। तो किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आज? ये हम लोग सब लोग को धन्यवाद देगा जी। जो लोग पहले कोशिश किया है वो लोग भी माने धन्यवाद देना पड़ेगा। उसका बाद में जो हम लोग का जो परंपरा था, वो परंपरा के लिए जो लोग वो काम किया है वो लोग को हम लोग धन्यवाद देंगे। उसका बाद में सरकार को धन्यवाद दूँ, क्योंकि वो सरकार ये नहीं करने से कौन करेगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय हम लोग का आसाम सरकार का चीफ मिनिस्टर जी, सब लोगों को इस टाइम आज धन्यवाद देता है। आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इतना दिन का वैसा अंतर में सुकून मिला था हम लोग का, समग्र आसाम का भी, सरायदेव का, हमारे स्थानीय लोकल का आदमी का भी बड़ा। आज हम लोग पहले हम लोग का भारतवर्ष का प्रधानमंत्री को हमें धन्यवाद देता है, ये मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा जी को धन्यवाद देता है। इसे आर्कलोज डिपार्टमेंट का जो आदमी है ना, जिसने सफल प्रस्तुत किया था आज 10 साल के बाद, उसको धन्यवाद देना है। आज स्पेशली वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक हम लोग का ये किया जी, इसके लिए हम लोग का फैमिली, हम लोग का पीपल्स, असम का पीपल्स जी, सब हम लोग बहुत खुश है जी। और अभी हम लोग का आशा है जी, हम लोग चाहता है कि ये जो आज तो डिक्लेरेशन दिया जी, उसका बाद में इसके लिए जो कोरोना है जी, करना है उसको जितना जल्दी चाहे जी जल्दी करेगा जी, ऐसे हम लोग सोचता है जी। तो आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है आज असम के लोगों के लिए, ये तो हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकता है जी। ये कितना दिन का, ये जेनरेशन वाइज स्ट्रगल का जी, एक स्टेप हम लोग पार कर दिया जी, इसीलिए इसका खुशी जी। अभी अगर हम लोग का बाबा लोग कितना उन लोग स्ट्रगल किया था जी, और उसका बाद में हम लोग किया था जी, हम लोग का मर गया, हम लोग का हमारा जो भाई है जी, वो लोग भी बहुत ही इधर में बहुत स्ट्रगल किया था जी, वो लोग अभी नहीं है जी, और लोग है, वो लोग कभी अभी उन लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आ नहीं सकता है जी, लेकिन सबके लिए जी, आपका माध्यम से जी, सबके लिए हम लोग का जो खुशी है जी, खुशी हम लोग बता रहे हैं। अभी भारत सरकार जी, लास्ट टाइम में भारत सरकार अगर जी, इसको इनिशिएटिव नहीं लेता हाँ, अगर इसको उन लोग अच्छे से वो तो यूनेस्को में अगर प्रेजेंट नहीं किया था, नहीं करने से ये होने वाला नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट को लिए भी हम लोग का थैंक यू
और जो हम लोग जो खुशी है, हम लोग का खुशी भारत का सब लोगों के लिए हम बता रहे हैं। नहीं, ये तो वर्ल्ड पीपल्स के लिए हम लोग अपील जरूर है। और असम में अभी पीस है जी, और इधर में बंदूक लेके जितना कुछ करने वाला था, ये हम ही उसमें से एक लीडर है जी। हम लोग अभी इंडिया गवर्नमेंट के साथ जी एग्रीमेंट करके जी एक पीसफुल एक ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए हम कमिन भी किया है, उसको लेके एग्रीमेंट भी किया है जी। और हम लोग अभी डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग पूरा दम कोशिश करके रहा है। उन लोग का बीच में, उस एजेंडा के बीच में ये भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए 2011 से जी, हम तो 2010 में जेल से, जंगल से बाहर निकल के आने वाला है जी। तो 2011 से अभी तक गवर्नमेंट का साथ भी, पीपुल्स का साथ भी हम लोग लगातार लग के, और जो यूनिट्स के साथ भी हम लोग वो जो कम्युनिकेट करके इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक डिक्लेरेशन देने का टाइम तक ये करने के लिए लगातार लगने वाला है लोग है। इसलिए इधर में कोई डरने वाला बात नहीं है, वो जो अभी इधर में कुछ ऐसा वाला होने वाला नहीं है, पीसफुल है। सब लोग आइए, सब लोग असम में आइए। असम का जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसका जो हेरिटेज है, उसको आज तक कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखा है, आगे देख के जाइए, हम लोग से भी मिल के जाइए, आप लोग का जो फीलिंग्स है वो भी हम लोग का साथ शेयर करके जाइए। हम लोग कैसे इसको और क्या करना है, कैसे करने से अच्छा होगा, उसको ऐसा वाला एडवाइस रख के भी हम लोग को दे के जाइए। और एक साथ एक वर्ल्ड फैमिली, आजकल जो माने ग्लोबल, माने ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज, एक साथ हम लोग ट्रू पीपल्स ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए, मजबूत ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग एक साथ रहेगा। इसलिए आइए, हम लोग अपील करता है आप लोग को, असम में आइए। हम लोग बहुत खुश का दिन है, इसी खुश का दिन में आप भी आया है, और इसीलिए आपका माध्यम से हम लोग सबके लिए अपील करता है जो हम लोग का साथ खुशी बांटिए, वो ये जो एक्सचेंज कीजिए, हम लोग भी करने के लिए रेडी है। और इतना जितना खुश हम लोग खुश होता है, इतना एक्सप्रेस कर नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोग का जो आशीर्वाद है, ब्लेस है, हम लोग का तो भगवान, हम लोग का तो दूसरा भगवान नहीं है, हम लोग का फोर फादर्स ही हम लोग का भगवान है। हम लोग का दूसरा रिलीजन नहीं है, हम लोग उन लोग का ही हम लोग पूछता है। इसलिए वो जो ट्रेडिशन हम लोग का है, वो लेके आज तक हम लोग किया है। इसके लिए आप लोग जितना सके सब हम लोग का आसाम आइए, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, न्यूली डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सरायदेव, सरायदेव वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये देखने के लिए आइए। थैंक यू। मैं यहाँ लकवा सरायदेव का डिस्ट्रिक्ट का एक लड़की हूँ। हम लोग का यहाँ पर ये जो आज जो आप इतना बड़ा वो स्थान देख रहा है, वो एक्चुअली आपका बहुत साल का मेरा ग्रैंडफादर, वो लोग सबका हार्ड वर्क यहाँ पे, मतलब उन पसीना सब कुछ यहाँ पे मतलब रुका हुआ है, उनका ब्लड स्वेट टीयर्स जो बोलता है ना। सो ये एक्चुअली आपका ये जस्ट एक नया स्टेप बोल सकता है, इतना सालों के बाद जो सरकार बोलिए और यूनेस्को बोलिए, जो हम लोग का ऊपर ऐसे देखा है, उनको जो मतलब ये स्थान हमको दिया, टू से दैट दिस इज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट हो सकता है, हुआ है बोल के। सो सिर्फ ये आप क्यों इतना भी सारा हम लोग का यहाँ पे जितना मोइडम है, जो मोइडम हम लोग बोलते हैं ना, वह हम लोग 386 मोइडम्स हैं। यस, तो वो मोइडम जो अभी भी बहुत सारा अनआइडेंटिफाइड है जी। तो हम लोग एज द न्यू जनरेशन, हम लोग का सरकार का तरफ भी ये एक रिक्वेस्ट होगा, जो आप हम लोग को ये हेल्प अस इन
identifying and protecting all of them, not just this place. So this is my request to the new generation and to the ones who are in power right now. जो आप लोग सिर्फ इसको देख के इतना मतलब इतना परिश्रम करके जो यहाँ पे ये स्थान लाया है, इसका ऊपर हम लोग कैसे जा सकते हैं? What more can we do? तो ये हम लोग का एक एम होना चाहिए. दैट इज़ माई बिलीफ. अगर एक बात जो सबसे अच्छा लग रहा है अभी, पहले जब हम लोग छोटा में इधर आता था और हमारा ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का स्टोरीज जब सुनता था, वो लोग यहाँ पे आके आपका अकेला एक बैम्बू का घर बना के प्रोटेक्ट करता था. बिकॉज ये सारा जगह, जितना पहाड़ आप आसपास देखोगे तो सब कुछ टी स्टेट ने कब्जा कर लिया. सो यू कैन सी, वो देख सकते हैं. तो अभी भी हम लोग का यहाँ पे सुकाफा मैडम बोल के एक और मतलब द फर्स्ट किंग हम लोग का जो सुकाफा बोलता है, तो सुकाफा का मैडम हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत टाइम लगा है. तब तक ये प्लेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, उसके बाद सुकाफा को हम लोग आइडेंटिफाई किए. तो वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, उसका भी वो भी आपका पूरा टी स्टेट वो कर लिया. सो अभी आप अगर सुकाफा मैडम के पास जाते हो तो वहाँ से आपको और बहुत सा ऐसा स्मॉल हिल्स दिखाई मिलेगा. तो हम लोग का एक विश्वास है क्या वो हिल्स का अंदर भी कोई ना कोई तो घुसा मतलब है वहाँ पे. सो इट कुड बी एनी ऑफ आवर फोर फादर्स. तो इसलिए अभी भी बहुत काम बाकी है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जस्ट फर्स्ट स्टेप. सो वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ जो इतना दूर तक तो हम आज आ गया. आज बहुत गौरव का मोमेंट है हम लोग का, बेहद खुशी पा रहा हूँ. तो दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट. एक्चुअली दिस मोमेंट वॉज स्टार्टेड इन 2004. दैट टाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. सो क्या हुआ हम लोग का इधर में 2007 में हम लोग एक असम का एक फोर्टनली मैगजीन है प्रांतिक, तो उधर में हम लोग एक आर्टिकल लिखा था. उधर में इस एरिया का जो वर्ल्ड हेरिटेज का संभावना था उसको इधर में व्यक्त किया था और प्रपोज किया था. उसका बाद इधर का जो युवा है उस टाइम का युवा लोग का लेकर हम लोग एक मतलब मास मोमेंट हम लोग चालू किया था. वर्ल्ड हेरिटेज होना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रॉपरली, क्योंकि अभी जो अब देख रहा है पिक्चर, उस टाइम पर 20 साल पहले ऐसा नहीं था. तो प्रॉपर जो हेरिटेज प्रोटेक्शन का जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली इधर में नहीं हुआ था. उसका बाद मार्च जागरूक हुआ तो ये हम लोग एक पूरा इधर में गणसाक्षर एक हम लोग अभियान किया. तो सब बोला कि एक साथ खड़ा हुआ कि इधर में वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए और सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए प्रॉपरली. क्योंकि आप जितना अभी मैदान देखा है, जितना इधर में है बाहर में जो बफर जोन में ज़्यादा है. और सिर्फ ये अभी तक 386 का पता चला है जिसमें से 90 यहाँ पर है सरायदेव में. हाँ, और सिर्फ मैदान ही नहीं है, इधर में जो राजबाड़ी है, राजबाड़ी भी अनप्रोटेक्टेड है. जो श्राइन एरिया है 1858-56 तक इधर में 24 श्राइन था. अच्छा, रॉयल श्राइन्स था. हाँ, पेगुडा वगैरह था. जी जी. और श्राइन्स वो आपका जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है एज ए मफत मिल्स, उसका रिपोर्ट में उधर क्लियरली मेंशन है. जी. तो ये पूरा हेरिटेज रीजन खाली ये नहीं है, पूरा का पूरा एक मेरे हिसाब से 9 स्क्वायर किलोमीटर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है. जी जी. सो ये पूरा हेरिटेज साइट्स और जो जितना भी मोनूमेंट्स है इसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हम लोग का मांग था. और अभी धीरे धीरे करके इधर में सबको अवेयरनेस बढ़ा और उसका बाद 2007 में हम लोग ये किया था, प्रपोज किया था. उसका बाद 2005 में ये हुआ था आपका मतलब गणसाक्षर. 2014 में ये टेंटेटिव लिस्ट में आया, 2024 में ये. लेकिन मैं एक बात और भी दोहराना चाहता हूँ कि इधर में प्रोटेक्शन के लिए पूरा का पूरा इस एरिया का लोकल मासेस ऑल मासेस मैंने इन्वॉल्व था. और एक आदमी था, उसका नाम हम लोग का ग्रैंडफादर है, वो गणेश चंद्र राजकुंवर, वो भी रॉयल फैमिली से है, और उमाकांता राजकुंवर, और वो दोनों का इसका इधर में बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए. तो पहले 1951 में वो पहला आदमी था जो ये जो उस टाइम पर ब्रिटिश हम लोग का एक जो ब्रिटिश हम लोग ऑक्यूपेशन हुआ, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का बाद इधर में पूरा का पूरा टी गार्डन्स हुआ था. सो 1951 से 1957 तक एक मतलब प्रोसेस हुआ, वो जैसे अभी ये प्रोटेक्शन आ गया. और उस उधर में असम का जो डैन चीफ मिनिस्टर बिमला पास प्रसाद सलिया, जी जी, वो
मतलब वो ये करने के बहुत मदद किया जी, जी। तो आज आप किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं इधर का सब माने सब वर्ग का आदमी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अभी असम का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो फाइनेंस मिनिस्टर था पहला जो बीजेपी का गवर्नमेंट था, तो फाइनेंस मिनिस्टर वो 25 करोड़ का एक बजट में इधर में लाया जी, 25 करोड़ का एलोकेशन किया जी। तो वो उस पूंजी का पूंजी से अभी वो लोग प्रोसेस चालू हुआ जो प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। और एक आदमी है, वो है डॉक्टर केशी नोरियल जी, वो एएसआई का आदमी था, वो एक्सपर्ट है, वो दसियार बनाया था विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल। और इधर आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट वाले है ना, उसका जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, डॉक्टर दीपी रेखा कोहली, वो बहुत डायनेमिक लेडी है। उसका नेतृत्व में वो उनका डिपार्टमेंट लोग बहुत अच्छा काम किया। मैं सभी को और इधर का जो पूरा लोकल मासेस है और पूरा असमवासी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ हैं असम के मंत्री बिमल बोरा जी। बिमल जी, ये आज कितना खुशी का माहौल है? ये बड़ी खुशी का माहौल है। हम लोग का जो धरोहर है, इस धरोहर को समग्र विश्व दुनिया को जानकारी के लिए आज यूनेस्को ने विश्व धरोहर क्षेत्र का मान्यता प्रदान की है। हमारे जो इतिहास है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो लोक कृष्टि है, संस्कृति है, इसको जानने का एक अवसर मिला है सारे दुनिया को। और इस अवसर में हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मैं हमारे फोर फादर्स को मैं श्रद्धा भक्ति हम पेश करता हूँ, और साथों साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों का अप्राण जो प्रचेष्टा है, ये प्रचेष्टा के लिए आज हमारे चराइदेव को विश्व धरोहर जो क्षेत्र, इस क्षेत्र का मान्यता प्राप्त हुआ है। आज का जो मोमेंट है, खूब खुशी का दिन है, खूब आनंद का ये दिन है, हिस्ट्रिक दिन है, आज का ऐतिहासिक दिन है। सारा शिवसागर चराइदेव ने, सारा असम का लोग इधर में आया है। अभी ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारा मैडम बेरियल ग्राउंड को इंक्लूड किया वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने, ये बहुत दिन का ये डिमांड बा ये था सौगर सालुंग सुकाफा का ये 600 ईयर्स ही हैज रूल, सबको लेके साथ एक साथ लेके काम किया। ये कल्चरल हेरिटेज का जो ये हमें बनाना जाता है, अभी जनरल गवर्नमेंट में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये नमन करता है, धन्यवाद देता है। जे देश में एक ही प्रपोजल नॉमिनेशन दिया है, जो उसका स्टेट का भी एक था, उसको छोड़ के नॉर्थ ईस्ट को अहम पीपुल का आसामिस के लिए ये मेरियल ग्राउंड को प्रपोजल किया एक ही। और हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी बहुत कोशिश किया, ये जो पार्टिकुलर्स ये डॉक्यूमेंट्स ये सब अरेंज करने के लिए बहुत ये वर्ल्ड हेरिटेज, इट इज़ नॉट ए ईजी ये सब ये प्लेस करने के लिए, ये बहुत कोशिश करके ये हिस्ट्रिक ये ग्राउंड को रियलिटी में ले जाना क्या, बहुत कोशिश किया। ये डायरेक्टर आर्कियोलॉजी काम किया, ये हिस्ट्रियन है, हम लोग का जितना यहाँ हिस्ट्रियन है दोनों डिस्ट्रिक्ट का, चराइदेव एंड शिवसागर का जो लुक है या लोकेलिटी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारा ऑर्गेनाइजेशन का भी कंट्रीब्यूशन है, जो टाया होम जो जो आटासू है, जो टाइपा है, जो जितना डिमार्केशन कमिटी का भी कंट्रीब्यूशन है, सबका ही कंट्रीब्यूशन है से यहाँ में सब। हाँ, वो मीडिया लुक का भी कंट्रीब्यूशन है, सबको साथ लेके बहुत दिन का एक्सप्रेशन फुलफिल हुआ। अभी ये खुशी का दिन, हम लोग सब आज मिलजुल के ये वो भी कल्चरल का टीम भी आया, बिहू भी आया, देखा अपने ये सब साथ मिल के एक फोटी किया, फटकाबाजी भी किया, अभी एक पीटी भूज भी अरेंज किया हम लोग, ये सब खाना खा के आज का दिन खुशी मनाना है। ये दिन आप सब लोग का ये हिस्ट्री में या एक ऐतिहासिक ये जो हंसी है, हम लोग का ये ऐतिहासिक संरक्षण है, ये मैं हम लोग का अभी बहुत खुशी का दिन है। उसको आपको भी ये आके आइए, आप लोग का मीडिया के लोग को सबको ये सारा देश में ये न्यूज़ करने के लिए आप आया है, तो आपको भी हमें धन्यवाद देता है। जैसा कि आपने देखा कि आज असम के चराइदेव स्थित मैदान को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज का दर्जा दिया, और किस तरह से चराइदेव और पूरे असम में एक उत्साह का माहौल है, लोग किस तरह से खुश हैं कि वर्ल्ड में अब चराइदेव एक अलग तरह से पहचाना जाएगा। अमर उजाला पहली बार आपको उस जगह पर लेकर आया है जहां भारत का गौरव बसता है। अब चराइदेव असम के तीसरे
और भारत के 43वें नंबर पर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है। मैं एन अर्जुन, amarujala.com के लिए सरायदेव असम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।